दोस्तों महेशी रसोई में आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्विक रेसिपी। नॉर्मली ब्रेकफास्ट में अगर आप लोग भी पूड़ी, पराठे, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे सब खाकर बोर हो चुके हैं ना, तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। एकदम बिना तेल के बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही फ्रेंड फैमिली में शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी फ्रेंड्स बनाएंगे बेसन के साथ। तो एक कप जितना बेसन लिया, 2 टेबलस्पून जितनी मैदा ले ली, 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जितनी लाल मिर्चें और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया। उसके साथ ही थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और एक बार इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे बेसन और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आप बैटर तैयार करें, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें जिससे इसमें लम्स ना पड़े। और एक बात का और ध्यान रखें कि इसका जो बैटर बनेगा ना वो काफ़ी पतला सा बनेगा, तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, अच्छे से मिक्स करते जाएं। जितना अच्छा आप फेंट लेंगे ना उतने ही शानदार और फ्लफी आपकी रेसिपी तैयार होगी। तो बस फेंटने में कंजूसी ना करें, अच्छे से पानी डालते जाएँ, बैटर को मिक्स करते जाएँ। फ्रेंड्स इस नाश्ते को बनाने में आपको इतना कम समय लगेगा और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि ना आप इसे बार बार बनाएंगे। अगर रेसिपी आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये देखिए एकदम पतला सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं इसे फुलाने के लिए 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर, और आपको इसमें बेकिंग पाउडर ही डालना है, खाने वाला सोडा या इनो का इस्तेमाल नहीं करना है। और जैसे ही आप इस बैटर में बेकिंग पाउडर को मिक्स करेंगे ना, तो आप देखेंगे इसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आने लगेंगे, थोड़ा फूला फूला सा होकर तैयार होगा। और ये देखिए बैटर एकदम बढ़िया तैयार हो गया है। अगर समय है तो बैटर को रेस्ट पे रख दें, लेकिन आप रेस्ट ना करें, आप कर लें थोड़ी सी और तैयारी। तो उसके लिए मैंने लिया 2 टेबलस्पून जितना बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून जितनी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, और कोई मसाला आपको इसमें नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें जिससे बढ़िया टेस्ट आएगा। और भर भर के डालेंगे धनिया, धनिया से खुशबू भी अच्छी आएगी और साथ ही टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो चलिए मसाला तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने कहा तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, आप लीजिए 1 टीस्पून जितना देसी घी और एक पैन में अच्छे से आप फैला दीजिए। उसके बाद जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया था, बारी है उसे डालने की। और आप देख सकते हैं कि बैटर इतना पतला होना चाहिए कि पैन में अपने आप फैल जाए। और जब आपको लगे किनारे हल्के हल्के से सिकने लगे हैं, और ये देखिए किनारे परफेक्ट सिकने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अभी बीच से थोड़ा सा गीला है, इसी समय आप लीजिए एक ब्रेड और जो हमने बैटर तैयार किया था ना उसमें हल्का हल्का सा डिप कर लीजिए। बहुत देर के लिए अगर आप छोड़ेंगे तो ब्रेड इसी में घुल जाएगी। और ब्रेड को सेट कर देते हैं जो हमने अभी ये पैनकेक बनाया था इसके ऊपर। और अब जो मसाला बनाया था ना उस मसाले को आप इस तरीके से अच्छे से इस पर फिल कीजिए। इससे फ्रेंड्स इतना बढ़िया टेस्ट आता है ना कि आप इसे बार बार बनाएंगे। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी पसंद आता है। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें इस तरीके से चीज़ डाल सकते हैं, और अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पनीर चीज़ कुछ भी नहीं डालना चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो थोड़ा सा देसी घी लिया और थोड़ा सा अप्लाई कर दिया, और उसके बाद बारी है टर्न करने की। और ये देखिए इसे टर्न कर दिया और इसे हल्का सा दूसरी तरफ से भी सीखने देंगे। फ्रेंड्स इसे सीखने में बहुत ही कम समय लगेगा, और इस समय आप देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी जालियाँ आई हैं। तो बस साइडों को इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर दें जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और ये देखिए एकदम स्क्वायर शेप में आपका ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। इसकी शेप भी बहुत बढ़िया लगती है और टेस्ट तो फ्रेंड आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि कितना शानदार होने वाला है। ब्रेड है, बेसन है, हल्की फुल्की सब्जियाँ हैं, हल्का सा मसाला है, तो एक बार तो ट्राई करना बनता है। तो चलिए पारी आ गई प्लेटिंग की, इसे रखा मैंने प्लेट में, और ये देखिए काफ़ी फूला फूला सा है। ये गरम भी खाने में टेस्टी है फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तब भी टेस्टी लगेगा। तो मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, काटने से ही आपको अंदाज़ा पड़ रहा होगा कि कितना ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। आ रहा है ना फ्रेंड्स मुँह में पानी, तो बस उसके लिए तो इसे आपको एक बार बनाना होगा। बनाने में भी आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही कम समय लगा है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।